मेट्रो स्टेशन से उतरो और टाटा की कार ले लो। नहीं हो रहा यकीन? मैं आपको दिखाता हूँ, फरीदाबाद सेक्टर 28 का मेट्रो स्टेशन है आपके सामने, क्योंकि तो मेट्रो भी निकल के गई है। और इधर आ जाता है मेरे सामने टाटा मोटर्स मल्टीटेक। तो भाई ये आपके सेक्टर 31 फरीदाबाद में पड़ता है, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है सेक्टर 28 का। अब आज हमें क्या मिलता है अंदर, चल के देखते हैं। बाकी मेरा मन तो आज टाटा टियागो ICNG ऑटोमेटिक में रिकॉर्ड करने का है, तो चलते हैं। आज भाई क्या कार मिलेगी, वो है हमारे सामने टाटा टियागो ICNG जो कि ऑटोमेटिक। सो हेलो दोस्तों, मैं केतन दत्त शर्मा आज मल्टीटेक मोटर्स में हम आ चुके हैं अंदर। जैसे कि हमने बताया था कि अभी मेट्रो स्टेशन से उतरे और सीधा आ गए अंदर, लेकिन हमें मिल गई है कार, और कार आपकी और मेरी दोनों की फेवरेट है हमारे सामने, जो कि है टियागो ICNG। लेकिन इससे ऊपर एक और चीज़ हो जाती है कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ बोर्ड पर, इंडिया फर्स्ट AMT CNG कार है। सेकंड आप देखोगे डायरेक्ट स्टार्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और अकम्प्लिश्ड बूट स्पेस है इसमें। एंड आप देखोगे 4 स्टार NCAP आपको रेटिंग मिल जाती है। 2 मिनट, सब कुछ बेस्ट हो चुका है। और ये किसके लिए खरीदने की चीज़ है वो भी बताऊंगा मैं, किसको क्या खरीदने से फायदा होगा और किस किस को ये खरीदनी चाहिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ फीचर के बारे में। आज हम मिलेंगे अनूप जी से। हेलो सर। हेलो अनूप जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? सर मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आपके शोरूम के साथ साथ आपकी कार का भी फैन हो गया हूँ मैं। अच्छा जी। जो कि है हमारे सामने टियागो ICNG AMT फर्स्ट इन सेगमेंट आपकी जी, जो टाटा के अंदर लेके आए हैं हम। CNG के साथ AMT अभी किसी के पास नहीं है सर, किसी ब्रांड पे नहीं है, किसी पे नहीं है। तो इसके बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताओ पहले तो। सर ये आपकी टॉप एंड मॉडल खड़ी हुई है XZA+। XZA+, हाँ जी, जो आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है। ओके। इसमें तो सर आज जरा आगे की तरफ देखें इसमें क्या है। बिल्कुल सर, इसकी स्टाइलिंग आप देख सकते हैं पूरी, कि भाई ये टॉप मॉडल है तो आपको जिसका कलर पेंट है, जो उसमें पियानो फिनिश और जिसकी ग्रिल है, ट्रायंगल के साथ आती है टाटा के लोगों के साथ, जिसमें आपके प्रोजेक्ट पे हेडलैम्प्स भी आ जाते हैं, फॉग लैंप आ जाते हैं विद डीआरएल। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऊपर मिल जाएंगे और नीचे आप देखोगे विद डीआरएल आपको फॉग लैंप भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अंदर इसमें जरा टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, आप कुछ कह रहे थे इसमें कुछ लीक डिटेक्शन। इसमें सर आपका ना जो है आपका ये आपकी CNG के साथ है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको बूट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर इसके साथ आपको ना इसमें बेस्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपका लीक प्रूफ डिजाइन, लीक डिटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, इनसे आपको बेनिफिट है सर। जैसे कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो आप इस गाड़ी को डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट कर सकते हैं। CNG पे भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जो अदर ब्रांड कोई नहीं होती है, ये डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट होती है। सो जैसा अनूप जी ने बताया इसमें भाई 2 एडवांटेज आते हैं। पहले तो इसमें लीक डिटेक्शन भी आ रहा है कि अगर CNG कहीं से लीक हो रही होगी तो उसका डिटेक्शन हो जाएगा, आपको इसके मीटर कंसोल में पता चल जाएगा। दूसरा इसमें आपने बताया इसमें फिर आता है थर्मल प्रोटेक्शन कि अगर कार में बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है, थर्मल अगर डिटेक्शन होता है, फायर लग जाती है, इनकेस फायर लग जाती है, तो वो सारी CNG किसी और नोजल के थ्रू, स्पेशल नोजल के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी, तो कार आपकी अगेन एकदम सेफ हो जाती है। एंड थर्मल डिटेक्शन के बाद ना थर्मल इसमें एक लीक प्रोटेक्शन भी है कि अगर आपको जैसे कहीं से लीकेज होगा तो इसमें डिटेक्ट होने के बाद में वो कट ऑफ हो जाएगी CNG कट ऑफ होकर पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी, निकलेगी नहीं, पेट्रोल पे हो जाएगी स्विच। ओके, तो ये है आज हमारे सामने AMT। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके इंटीरियर में और उसके बाद चलेंगे इसके बूट स्पेस को चेक करने के लिए। तो चलो आ जाओ। सो XZA+ टियागो CNG ऑटोमेटिक। सो अनुज बताइए मेरे को इसके इंटीरियर के बारे में क्या क्या इसमें बढ़िया चीजें मिल जाती है। सर इसमें आपको पहले तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ओके जी, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, जिसके के लोग दीवाने थे, जिसको के लोग देखना चाहते हैं वीडियो में, तो वो आपके सामने ये आ गया इसका ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन। कितने गियर का है ये? 5 स्पीड है सर, 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन, अमेजिंग। और बाकी इसका इंटीरियर भाई, स्टार्टिंग से मैं फैन हूँ, एकदम बढ़िया मजेदार प्रीमियम इंटीरियर है और काफी स्पेशियस भी है, साथ आता है। ओके, तो XZA+ में हमें सारे टॉप मॉडल के फीचर मिल जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हरमन का हमने म्यूजिक सिस्टम देख लिया, इधर हजार्ड बटन के साथ में यहाँ पर हमें इंफोटेनमेंट के कंट्रोल भी देखने के लिए मिल रहे हैं, इधर ऑटो वाइपर और इधर हमारा ऑटो हेडलैम्प। अब CNG के बटन कौन से हैं इसमें, जैसे कि CNG स्विच करते हैं या फिर CNG ऑपरेट होती है? ये आपका बटन CNG का आएगा। ओके, जैसे आप CNG कर सकते हैं, ये लॉक का है, 4 डोर लॉक, ये आपके डिफॉगर, ये डिफॉगर है जी। सो इसमें और जो हमारा फ्यूल स्विच का जो बटन है CNG टू पेट्रोल, वो ये बटन है हमारे पास जी। ओके, और उसके बाद में हमारा नीचे आ जाता है इसमें ऑटोमेटिक AC। ओके, और नीचे आप कुछ चार्जर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यस। ओके, ऑसम, डिजिटल मीटर के साथ मिलेगी आपको।
तो उसका एक बार बटन लगा के देखते हैं। अच्छा वो तो नहीं है, तो अब एक काम करते हैं इसका एक बार बूट स्पेस और दिखा दो, जी, सिलेंडर लगने का कितना स्पेस है और नोजल में कैसे फिल की जाती है सीएनजी। बिल्कुल सर, आइए लेकिन जाओ मत जल्दी से, अभी प्राइस की बात भी करनी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, चलो पीछे ही मिलते हैं, आ जाओ। जी सर, ठीक है। सो रियर व्यू पार्किंग मिरर, टियागो की बैजिंग, टाटा का लोगो एंड उसके ऊपर डिफॉगर, और यहाँ आ जाते हैं हम इसके बूट स्पेस में। सो ये है आपके सामने टियागो AMT प्लस का बूट स्पेस, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसमें कि दो सिलेंडर पैरेलली रख दिए गए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो ये सॉलिड बोर्ड लगाने के बाद में ये आ जाता है आपके सामने इसका कंप्लीट बूट स्पेस, जो कि आपके सामने है कंप्लीटली। सो अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए सर। सर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट इन सेगमेंट टाटा लेके आई है, अदर ब्रांड किसी पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं जी। तो इसका आप ना स्टेपनी कैसे निकालोगे मेरे को? स्टेपनी सर इसमें आपकी जैसे बड़ी गाड़ियों में होता है, ये इसके नोजल को लूज करके, मतलब सफारी वाला फील दे रहा है इसमें भी। बिल्कुल राइट, क्या बात है, क्या बात है। स्पेशल नोजल है इसकी, इसे लूज करके आपकी। सो एक बार इधर से इसको लिफ्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ देखेंगे नोजल है, ये नोजल है आपकी, और इसमें टूल लगा के दिखाओ किस तरीके से टूल फिट होगा। ये आपको ऐसे फिट करना है। अच्छा ये, और ये बस ऐसे लूज कर देना, नट के ऊपर फिट हो जाएगा, ये ऐसे लूज करना, अब लूज करेंगे। आ जाओ नीचे से दिखाओ भाई ये कहाँ जा रहा है, इसका जो स्टेपनी व्हील है जो कि खुल के आएगा। तो ये आपका स्टेपनी व्हील है जो कि हमारे पास में जी खुल के आएगा। अब बात करते हैं CNG रिफिलिंग की। तो आपके सामने जो लिड है इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, अनूप जी कैसे इसमें CNG भरी जाती है मेरे को थोड़ा तरीका बताओ। एक नोजल है आपकी, ठीक है, इसके थ्रू आपको फास्ट CNG अप्लाई होगी यहाँ से, और ये आपका पेट्रोल के लिए, ये पेट्रोल के लिए है जी। एंड उसी के साथ में एक सेफ्टी सेंसर है ऊपर, बिल्कुल सर, जिसकी हेल्प से अगर ये ऑफ रहेगा तभी ये कार स्टार्ट होगी, अदरवाइज कार स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल सर, अगर ये ओपन रहेगा आपका तो ये ऑफ रहेगी, ऑफ रहेगी, स्टार्ट होगी ही नहीं। और बाकी CNG भरने का आप इसे फिर से क्लोज कर सकते हैं जी, एंड फिर से आप इस लिड को भी क्लोज कर सकते हैं कम्प्लीटली। अब बात करते हैं प्राइस की। सो अगर आप CNG ऑटोमेटिक टियागो लेना चाहते हैं, सो इसका जो बेस मॉडल है वो शुरू होगा 789 से, एंड इसका टॉप मॉडल जाता है 889। कुल मिला के इसमें तीन ही मॉडल आते हैं, एंड उसके बाद भी अगर आपको मैनुअल में चाहिए, अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं चाहिए, तो आपके सामने अवेलेबल है टियागो ICNG जिसको कि आप 649 भी खरीद सकते हैं। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को करें फॉलो, और कमेंट बॉक्स में लिखें टियागो ICNG। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।